Hello everyone, my name is Vijay Khattar and today we will discuss the Hamming code. मैं आज का अपना पूरा लेक्चर हिंदी में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिससे कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें समझ में आ जाए। जब हम लोग बात करते हैं एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन टेक्निक की और एरर करेक्शन टेक्निक की, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये टेक्निक्स रिडंडेंसी बिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग करते क्या थे, डेटा बिट्स के साथ में एट द एंड कुछ रिडंडेंसी बिट्स, जिसको मैं आर बिट्स कहता हूँ, वो ऐड करके रिसीवर को सेंड कर देते थे। और इन्हीं एम प्लस आर बिट को रिसीव करने के बाद रिसीवर चेक करता था क्या उस पर्टिकुलर रिसीव डेटा के अंदर कोई एरर है या नहीं। तो हम लोगों ने डिटेक्शन टेक्निक्स के चार एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग फोकस करेंगे हैमिंग कोड के ऊपर, जो कि वेरी एरर करेक्शन टेक्निक्स है। हैमिंग कोड टेक्निक के अंदर हम लोग रिडंडेंसी बिट्स को एट द एंड ऐड करने के बजाय डेटा बिट्स के साथ ही उनमें मिक्सअप कर देते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों ने आर वन आर टू सेकेंड पोजिशन के ऊपर, फोर्थ पोजिशन के ऊपर और एट पोजिशन के ऊपर बिट ऐड की है। अब इनमें इन जो बिट्स की जैसा दिया हुआ है, जिसे मैं कुछ देर के लिए इसे आर वन बिट कहता हूँ, इसे मैं कुछ देर के लिए आर टू कहता हूँ, इसे आर फोर कहता हूँ और इसे आर एट कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन। आप चाहे तो इसे आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर भी कह सकते हैं, जो कि आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो जब मैं आर वन की बात करता हूँ, तो ये आर वन पोजिशन की जो आर बिट है, इसकी ये जो रिस्पॉन्सिबल होगी, ये वन के लिए, थ्री के लिए, फाइव के लिए, सेवन के लिए, नाइन के लिए और एलेवन पोजिशन के लिए, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया, इन बिट्स के ऊपर, इन पोजिशन के ऊपर मैं ये कैलकुलेट करूंगा क्या यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एंड देन फाइनली इवन पैरिटी को ध्यान में रखते हुए आर बिट को सेट करो। कुछ इसी तरीके से ये वाली बिट जिसको मैं आर टू कह रहा हूँ, ये भी कुछ बिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। सिमिलर पैटर्न आर थ्री कह लीजिए या आर पोजिशन का, अगर आप पोजिशन के हिसाब से चाह रहे हैं तो आर फोर कह लीजिए और आर एट कह लीजिए, ये भी कुछ बिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब ये किन बिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये मैं आपको एक सिंपल से चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ 15 डेसिमल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 से लेके 15 तक, और उनका मैंने यहाँ पर बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा हुआ। आप इसे हेक्साडेसिमल नोटेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, फिलहाल मैं 15 तक ही डिस्कस कर रहा हूँ। इन्हें मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करता हूँ सबसे पहले आर वन पोजिशन की, मतलब रिडंडेंसी बिट है वो किन किन बिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो यहाँ चार्ट में अगर मैं देखूंगा तो वो 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13 और 15 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो इसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। इन बाइनरी में अगर पहले पोजीशन के ऊपर जिन जिन उसमें वन आ रहा है वो मेरी आर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो आप देखिए, वन में फर्स्ट पोजीशन पे आर आ रहा है, फिर तीन में फर्स्ट पोजीशन पर है, पांच में है, सात में है, नौ में है, ग्यारह में है, तेरह में है और 15 पोजीशन, इनमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लेगा, आर वन लेगा। इसका मतलब हम इन पोजिशन के ऊपर बिट काउंट करेंगे। सिमिलरली आर टू, यहाँ जो दूसरी पोजिशन मेरी है, सेकेंड वाली, इनमें जहां जहां वन आ रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा टू में वन आ रहा है, उसके बाद में थ्री में वन आ रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट सीधे छह में आ रहा है, सात में आ रहा है। आप यहाँ देखिए 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 इन पोजीशंस पे मेरा, इन पोजीशंस के लिए आर टू रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इन पोजीशंस के ऊपर मैं पैरिटी जो काउंट करूंगा आर टू के लिए, वो इन पोजीशंस को ध्यान में रखे होगा। अब आते हैं तीसरे के लिए, जिसको कि पोजीशन के हिसाब से, बिट पोजीशन के हिसाब से जिसका नंबर चार आता है, और अगर आप नॉर्मल इसे नाम देना चाहते हैं तो आप आर थ्री बिट भी इसे कह सकते हैं, आपके कंसिडरेशन के ऊपर। वो जो आर फोर बोलिए या आर थ्री बोलिए, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तीसरे बिट पोजीशन पे जो आ रहा है, और इसी तरीके से जो चौथी बिट है जिसे इस स्लाइड के अंदर आर एट कहा गया है, जबकि मैं उसे कहता हूँ कंसिडरेशन के लिए इट इज अ रिडंडेंसी बिट नंबर फोर, तो ये इसके चौथे पोजीशन में जहाँ आर आर वन आ रहा है, तो अगर आप चौथे पोजिशन की बात करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन पोजिशन पे हम काउंट करेंगे पैरिटी, इन पोजिशन को वन काउंट करेंगे और फिर आर की पैरिटी डिफाइन करेंगे। आप अगर इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा
कि जैसे तीन पोजीशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो बिट ने ली है, अगर कहीं पर भी एरर आती है तो ऑब्वियस सी बात है आर वन आर टू से इन थ्री पोजिशन में अगर एरर आती है तो हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से 14 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आर टू आर फोर आर एट इन लोगों ने ली है, 15 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वन आर टू आर फोर आर एट इन पोजिशन ने हमारी ले ली है। आगे पूरे स्लाइड में मैं जो नोटेशन यूज करूंगा वो आर वन आर टू आर फोर और आर एट यूज करूंगा, ये आर थ्री और आर फोर मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था। अब अगर हम अगले सिंपल यही जो मैं आप लोगों से डिस्कस किया था, आर वन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर 1, 3, 5, 7, 9, 11, आर टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2, 3, 6, 7, 10, 11, इसके पीछे क्यों इस पोजिशन के हैं ये मैं आपसे अभी चार्ट में सिंपली आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ इसी तरीके से आर फोर जिसको मैं कुछ देर आर थ्री भी कह सकता हूँ, नाउ इट्स ये हमारा अपना नाम है, बाय द वे फ्रोजन की किताब के अंदर इसे आर फोर कहा गया है तो मैं इसको वही रोटेशन फॉलो कर रहा हूँ। तो ये 4, 5, 6, 7 आप देखिए तीसरे पोजिशन पे वन है, है ना, तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फोर की होगी। अब आते हैं आर एट के ऊपर, आर एट में जब हम आएंगे तो आर एट में जहाँ चौथी पोजिशन पे वन है तो आर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इनके चौथे पोजिशन में वन होता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लेते हैं। अब सीधे सीधे एक प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर करते हैं और उस प्रॉब्लम से कोशिश करते हैं हैमिंग कोड को सॉल्व करने की। मेरे पास में डेटा बिट्स ये दी गई थी 100, 100, 1101, 01। अब हम लोगों ने इन बिट्स में रिडंडेंसी ऐड करना था, तो पहला आर वन आर टू, फिर आप या तो आर थ्री नाम ले लीजिए या पोजीशन के हिसाब से ये चौथी पोजीशन आ रही आर फोर और आर एट, इन पोजीशंस को आप पहले यहाँ पर आर लिख लीजिए जिससे आपसे मिस्टेक नहीं हो, और बची हुई फील्ड्स के अंदर आप अपना ये डेटा डी बिट्स पुट कर दीजिए। मैंने कुछ इसी तरीके से यहाँ पर काम किया। अब आता हूँ सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ आर वन बिट। आर वन बिट कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमने देखा जिनकी फर्स्ट पोजीशन में वन आता था उन पोजीशंस के ऊपर आ रहा है, तो ये कुछ चुनिंदा पोजीशंस हैं जिनकी मैं काउंट करूंगा। तो यहाँ पर वन एक हो गया, दो तीन, तो थ्री टाइम्स वन आया है इसलिए मैंने यहाँ पर इवन पैरिटी करने के लिए आर वन को वन कर दिया, तो टोटल वन अब मेरे चार हो गए, आर वन की वैल्यू वन आ गई। अब आते हैं आर टू पोजीशन के लिए, तो ये जो रेड नोटेशंस आपको दिया गया है पोजीशंस इसके लिए आर टू रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर वन है, एक वन आ गया, टू एंड थ्री वन एंड नेक्स्ट फोर वन, तो चार वन ऑलरेडी इवन पैरिटी में है तो आर टू की वैल्यू मैंने जीरो सेट कर दी। कुछ इसी तरीके से आर फोर, अगेन ये नोटेशन आपके फ्रोजन में यूज किए गए हैं इसलिए मैं सेम आर फोर यूज से कहता हूँ, जिन पोजिशन में तीसरे बीट में आपका वन आता है तो ये मेरे तीसरे बीट के कुछ पोजिशन थे, यहाँ पर मैंने वन काउंट किए, वन टू दो है ऑलरेडी वन पैरिटी है तो मैंने ये बिट को आर फोर को मैंने जीरो पुट किया। और कुछ इसी तरीके से आर एट जिसे आप आर फोर भी अपने लिए अलग से अगर आप नोटेशन यूज कर रहे हो तो आप कह सकते हो, लेकिन आर एट चूंकि यूज किया गया है यहाँ पे सिर्फ एक बार वन आया है तो यहाँ पे पैरिटी वन होगी, पैरिटी में वन ऐड करके ये टोटल मेरा इवन हो गया। इस तरीके से मैं आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर को मैंने फाइनल किया। अब चूंकि ये मेरा कोड पूरा बन चुका है एम प्लस आर, आर इसमें मिक्स है, मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ। अब चूंकि जो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर आई थी जब हम लोगों ने फाइनली हम लोगों ने जो यहाँ पर डिसाइड किया कि ये मेरा डेटा बन चुका है, मैंने ये डेटा को रिसीवर के लिए सेंड कर दिया। मीनवाइल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये जो वन बीट था ये कन्वर्ट हो गया किसी वजह से और कन्वर्ट हो गया जीरो के अंदर, मतलब किसी भी एक पोजिशन के ऊपर रैंडमली मेरी एरर आ गई है। तो हम लोग आज सिंगल बिट एरर डिटेक्शन विद हैमिंग कोड टेक्निक स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज आएगा। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा, और चूंकि ये एरर करेक्शन कोड है तो हमें इस पर्टिकुलर एरर को रिमूव भी करना, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। नाउ नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले जब रिसीवर के पास में ये पूरा डेटा आ जाएगा तो वो अगेन इन बिट्स के ऊपर जिनको हमने आर वन आर टू आर फोर और आर एट कहा था उन पोजिशंस के अकॉर्डिंग वो आपकी बिट्स को कैलकुलेट करेगा, मतलब रिडंडेंसी बिट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो पहले 1, 3, 5, 7, 9 और 11 मैं इन पोजिशंस के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आर वन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पे वन काउंट किए जाएंगे तो पता चला यहाँ पर जो वन थे मेरे 1, 2 और 3, 3 वन है तो रिसीवर क्या करेगा वहां पर उसे इवन पैरिटी में करने के लिए एक वैल्यू यहाँ पुट कर लेगा, दैट इज अ 1।
Now next one, फिर अब R2 के लिए हम पोजीशन देखते हैं, तो R2 is responsible for 2, 3, 6, 7, 10, 11. तो इन पोजीशंस पे हम 1 काउंट करेंगे, 1, 2, 3. ऑलरेडी ऑड है, तो हम लोगों ने इसे 1 ऐड करके इवन कर दिया, सो ये मेरा 1 आ गया यहाँ पर. R4 के लिए हम क्या काउंट करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इस पूरे येलो पोर्शन में सिर्फ 1 एक बार आया हुआ है, तो इसे भी हम इसे इवन में करने के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा 1 आ गया. R8 कैलकुलेट करते हैं, तो इन चार पोजीशंस के लिए R8 रिस्पॉन्सिबल होता है. हमने यहाँ पर इनकी बिट्स पोजीशन पे कितने 1 है काउंट किया, पता चला 2 1 है, हमने इसको 0 पुट किया क्योंकि ऑलरेडी इवन पैरिटी. अब ये जो पूरा सीक्वेंस बन के आया है मेरे पास में 0 1 1 1, ये मुझे बताता है दिस इज नथिंग बट 7. इसका मतलब अगर एरर आई है तो पोजीशन नंबर 7 पर है. क्या हम सच हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेते, क्या 7 पोजीशन पे एरर आई थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस, 7 पोजीशन की मेरी बिट चेंज हुई है. इसका मतलब क्या होगा, जो भी डेटा रिसीव किया गया है रिसीवर के थ्रू, उसमें 7th पोजीशन को वो 1 कर देगा. सो फाइनली एरर करेक्शन हम लोगों ने कर लिया, 1 बिट का एरर करेक्शन पॉसिबल. आपको अगर 2 बिट का एरर करेक्शन या और भी ब्रश एरर के लिए देखना है, आप फ्रोजन की किताब को फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर करेक्शन टेक्निक, दैट इज अ हैमिंग कोड. इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हैमिंग डिस्टेंस. हैमिंग डिस्टेंस हम दो कोड वर्ड के बीच में चेक करते हैं कितने बिट पोजीशन के ऊपर वो एकमेक से डिफर कर रहे हैं, और ये चेक करने के लिए हम एक्सओआर ऑपरेशन उनके बीच में करा सकते हैं बिट बाय बिट. हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बिट पोजीशंस के ऊपर जितने हमारे पास में वन आएंगे, इसका मतलब वो दो कोड वर्ड उतने डिस्टेंस पे हमारे वेरी कर रहे हैं. इस टेक्निक को हम हैमिंग डिस्टेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं. सो थैंक यू.